मेरे YouTube चैनल अजय टेक हिंदी को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। सब्सक्राइब कर लिए हैं तो धन्यवाद फ्रेंड। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है अजय, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने Facebook अकाउंट को हमेशा के लिए परमानेंटली डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। साथ ही नए लोग आए हैं तो मेरे YouTube चैनल को लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड, मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले आपको फेसबुक ऐप खोल लेना है फ्रेंड, जैसे जिस तरह से मैं खोला हूँ। उसके बाद आपको 3 डॉट पर यहाँ पर दिख रहा है जो कि चले जाना है आपको। थोड़ा स्क्रॉल करके आप जाना है सेटिंग एंड प्राइवेसी में। तो फ्रेंड, जैसे ही आप सेटिंग और प्राइवेसी में जाएंगे आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद फ्रेंड देखिए, जैसे मैंने सेटिंग पे गया तो हमारे स्क्रीन पर इस तरह से आ गया। तो आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है, उसके बाद जाना है आपको अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल में। फ्रेंड्स आपको चले जाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इस पे चला जाता हूँ। तो यहाँ देखिए मैं क्लिक करता हूँ, थोड़ा क्लिक करने के बाद थोड़ा समय ले सकता है क्योंकि नेट के ऊपर है। जैसे ही मैंने उसके बाद देखिए क्लिक किया, उसके बाद इस तरह से ओपन हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी 3 ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पर जाना है दूसरे नंबर पे, डिवेक्टेशन एंड डिलेशन पे जाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर भी थोड़ा समय ले रहा है, एक से ओपन हो गया, नेट के ऊपर आए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके पास 2 ऑप्शन आ गया, डिवेक्टेड अकाउंट उसके बाद डिलीट अकाउंट। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे ये गलती कर देते हैं कि यहाँ पे पहला वाला पर मैं क्लिक कर देता हूँ कोई भी, तो यहाँ पर हमारा जो फेसबुक अकाउंट डिलीट नहीं होता। तो फ्रेंड्स हमको यहाँ पर पहला वाला न करके सेकेंड वाला पर डिलीट अकाउंट पर क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड लिखा है यहाँ पर कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीशन, तो यहाँ पर चले जाना है। फ्रेंड देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो इस तरह से हमारे पर ओपन हो रहा है, थोड़ा समय लिया। देखिए यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने किया तो इस तरह से हमारे पर आ गया। तो फ्रेंड मैं थोड़ा स्क्रॉल करके यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं लिखा है डिलीट अकाउंट, तो मैं यहाँ पर डिलीट अकाउंट पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आप जो इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर सकते हैं जो भी है आपके पहले से पड़ा हुआ है फेसबुक पर। तो यहाँ पर देखिए डिलीट अकाउंट पर मैं क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड देखिए मैंने क्लिक किया, इस तरह से हमारे सामने आ गया हमारा। तो यहाँ लिखा है इंटर योर पासवर्ड, यहाँ आपको पासवर्ड डालना है, जो भी आपका पासवर्ड है आपको यहाँ पर पासवर्ड डालना है। चलिए फ्रेंड्स मैं आप जो है पासवर्ड डाल देता हूँ। तो फ्रेंड देखिए जैसे ही मैंने पासवर्ड डाला अपना तो इस तरह से आ गया, इस तरह से आ गया। तो उसके बाद फ्रेंड्स हमको जो है जाना है, ये इसमें आप एक पढ़ सकते हैं कंफर्म डिलीशन है, कंफर्म परमानेंट अकाउंट डिलीशन। तो आप यहाँ पर जो है पढ़ सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो है डिलीट अकाउंट लिखा है, तो आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं जो कि 30 डेज टू योर अकाउंट, 1 महीने के पहले आप चाहें तो अकाउंट जो है रीओपन कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड मैं डिलीट अकाउंट पर क्लिक करता हूँ। फ्रेंड देखिए मैंने ही जैसे डिलीट अकाउंट पर ओपन किया तो यहाँ पर हमारा जो है फेसबुक अकाउंट डिलीट हो रहा है। फ्रेंड देखिए यहाँ पर मैसेज भी आ गया, मैंने ओके किया तो हमारा ये जो है फेसबुक अकाउंट डिलीट हो गया। इस तरह से आपको फ्रेंड्स आप अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर जो है परमानेंटली डिलीट हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स मैं वो अब वीडियो को समाप्त करता हूँ। तो अगर वीडियो जो है थोड़ा सी भी आपको नॉलेज मिला हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें एंड कमेंट करिए।